कभी ली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। एगो छोरी बुलू की जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुडू की। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ नामिका। राजद सुप्रीमो सिर्फ अपनी राजनीति को लेकर के चर्चा में नहीं रहते हैं, बल्कि और भी उनमें कई ऐसी क्वालिटीज है जिसको लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। लालू प्रसाद यादव कहीं भी रहे लोगों को हंसाते और गुदगुदाते रहे हैं, और जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में तो वो द्वंद्व है ही। और यही कहीं ना कहीं जो कुछ कला है राजनीति की, वो उन्होंने अपने बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी डाली है। देखिए, लालू प्रसाद यादव चाहे वो बिहार में रहें, दिल्ली में रहें, रांची में रहें, किसी भी जगह पर रहें, वो चर्चा का विषय बने रहते हैं हमेशा। और ख़ास करके जब बिहार में आते हैं, पटना आते हैं, अपने आवास पर आते हैं, तो हर तरफ बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ख़ास करके जब लालू यादव के कुछ भाषण की हम बात करें तब तो मजा ही आ जाता है। लालू यादव जहां भी रहे, बार बार यही कह लूं कि लालू यादव जहां भी रहते हैं लोगों को हंसाते और गुदगुदाते रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार लालू यादव ने जबरदस्त तंज कसा था। कैसे कहा था और क्या कुछ कहा था, आप खुद देखिए इस वीडियो में। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली कभी ली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? क्या बात है, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। ऐसी एक बार मंच पर उन्होंने भाषण देते देते एक बहुत ही अच्छी शायरी की और पूरी की पूरी महफिल जमा दी। उसमें उन्होंने कहा था कि जब तबला बजेगा धिन धिन तब एक पर बैठेगा तीन तीन। ये अंदाज आप उन्हीं के लहजे में सुनिए। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धिन धिन एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। देखिए, रामदेव बाबा का योगा तो हर कोई करते हैं और इसके कई फायदे भी हैं। योगा करने के कई फायदे हैं, इसलिए हर इंसान अपनी आम जिंदगी में योगा जरूर कर रहा है और अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन लालू यादव का तरीका जो था वो बड़ा ही अनोखा था। आप खुद देख करके देखिए और बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हमेशा ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो वार करने का अंदाज था राजद सुप्रीमो का, वो बड़ा ही निराला था। देहात में कहा जाता है कि एगो छोरी बुलू की जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुडू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता। इसी तरीके से एक सभा को संबोधित करते हुए यादवों पर उन्होंने कहा था कि यादवों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके का भाषण दिया था कि वहां पर मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाई और उन्हें इतनी हंसी आई कि उनकी आंखों में पानी भर आया। ये इनका भय कि यादवों को फोड़ो, यादवों को फोड़ो, यादव फूटे वाला है वो, यादवों के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लालू प्रसाद यादव की तमाम जो भाषण है वो हमेशा ही लोगों को गुदगुदाते रहे हैं। और इसी तरीके से एक सभा में उन्होंने कहा था कि तुम अगर मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगा। ये अंदाज भी बड़ा ही निराला था। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं,
तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जो अंदाज है वो काफी निराले हैं, और इस निराले अंदाज के लिए लालू प्रसाद यादव जो हैं वो हमेशा ही जाने जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।